हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैंने एक पोस्ट किया था कि मैं आईपीसीसी और सीए फाइनल की डीटी की क्लासेस पोस्ट करूंगी तो उसी के रिगार्डिंग आज जो है ये हमारा फर्स्ट है फर्स्ट लेक्चर है तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं आज का क्लास आज जो है फर्स्ट लेक्चर में जो है सी फाइनल के लिए ये क्लास है हम डिस्कस करने वाले हैं चैरिटेबल ट्रस्ट को जो ट्रस्ट होते हैं मोस्टली जो एन होते हैं इंडिया में वो एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट ही रजिस्टर्ड होते हैं और अगर हम देखें तो चैरिटेबल ट्रस्ट भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं एक पहला होता है पब्लिक और दूसरा होता है प्राइवेट ट्रस्ट तो फर्स्ट हमारा होता है पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट आप देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है पब्लिक ट्रस्ट जो होता है उसका मेंबर कोई भी बन सकता है मैं आप जब भी चाहें हम उसके मेंबर बन सकते हैं और उसके बेनिफिट को उठा सकते हैं बट जो प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं उसमें जो है कुछ लिमिटेड लोगों के लिए बनाया जाता है लिमिटेड लोगों को ध्यान में रख के वो बनाया जाता है लिमिटेड लोगों को उससे बेनिफिट भी बहुत लिमिटेड लोगों को मिलती है उसमें भी दो टाइप होते हैं स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्शनरी स्पेसिफिक में जो होता है जो उसके मेम्बर्स होते हैं उसका रेशियो डिफाइन होता है उसके बेनिफिट का रेशियो बट डिस्क्रिप्शनरी में नहीं होता है तो अब ये डिस्कस करने के बाद से हम आते हैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो सेक्शन 11 टू सेक्शन 13 होता है ये सेक्शन जो है वो डील करता है एग्जेपन से एग्जैम्पन रिलेटेड टू ट्रस्ट और इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है उसमें हमें बेसिकली यही पढ़ना है कि हमें कंडीशन क्या क्या है एज ए ट्रस्ट रजिस्टर होने के लिए हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी तब जाके हम रजिस्टर्ड होंगे कुछ लिस्ट ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं अगर आप उन चीज़ों को करते हैं तो ही आप एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो सकते हैं और अगर हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो हमारे पास बेनिफिट कौन सा है तो शुरू करते हैं हम आज फर्स्ट लेक्चर से अब भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि अगर आप करते हैं तो आप एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट जो है रजिस्टर हो सकते हैं तो पहली जो एक्टिविटी है वो है एजुकेशन टेन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सी ये सेक्शन जो है ये रजिस्ट्रेशन से डील करता है और सेक्शन एलेवन टू सेक्शन थर्टीन ये जो सारे सेक्शन है ये सेक्शन जो है इनके बीच में जो भी सेक्शन आते हैं वो डील करते हैं आपसे कि एग्जैम्पन कौन कौन सी अवेलेबल हैं चैरिटेबल ट्रस्ट को तो फर्स्ट है एजुकेशन एजुकेशन में ये बोला गया है कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं और अगर आप होली या सब्सटैंशली फाइनेंस्ड बाई गवर्नमेंट है तो आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं हम आपको मानेंगे कि आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं और अगर आप ऑपरेट करते हैं ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए अगर आप ऑपरेट करते हैं और अगर आप होली या सब्सटैंशली फाइनेंस्ड बाई गवर्नमेंट है तो आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं सेम विद द मेडिकल इंस्टीट्यूशन अगर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसका कि होली या सबस्टेंशली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट है और अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए ऑपरेट करती है तो हम ऐसा मानेंगे कि वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है इसमें दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट हो या फिर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो अगर उनकी रेवेन्यू लेस देन फाइव सीयर है तो हम ऐसा मानेंगे कि वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं अगर फाइव करोड़ से कम है रेवेन्यू तो आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं और आप जो ऑपरेट कर रहे हो वो सोल्ली फॉर एजुकेशनल स्लैश मेडिकल इंस्टीट्यूट के पर्पज से आप ऑपरेट करने चाहिए इसके बाद जो है हमारा आता है दो कंडीशन हमने डिस्कस कर लिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए कि अगर आप फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट हो या फिर अगर आपका रेवेन्यू लेस हो फाइव सीआर से अब ये है कि अगर आपका रेवेन्यू फाइव सीआर से ज़्यादा होता है तो क्या होगा तो उसके इसमें ये होगा कि आपको अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इस चीज़ के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है और मैं इस चीज़ के लिए ऑपरेट करता हूँ और मुझे एज ए रजिस्ट्रेशन चाहिए एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट तो उसके बाद से आपको फाइव करोड़ से ज़्यादा होने पर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है दूसरा जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास एक्टिविटी है वो है एनी अदर फंड और इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटेबल परपज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड इट्स स्टेट अगर आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो स्टेट के लिए या फिर इंडिया के लिए उसके हित में है तो फिर आप एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट हैं आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं अथॉरिटी से ऑपरेंट करने के बाद से आपको अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्टिविटी वो ये है कि आप ऑपरेट करते हो होली फॉर रिलीजियस पर्पज़ और होली फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस दो चीज़ें हैं दोनों चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करती हूँ होली फॉर रिलीजियस पर्पस मतलब हो गया आप एक मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा हैं क्योंकि ये जो चीज़ें है, uh, हैं ये होली फॉर रिलीजियस पर्पस में ऑपरेट करती हैं बट इन्हीं में से कुछ मंदिर मस्जिद में जो डोनेशन्स आती हैं उनसे आपने सुना होगा कि बालाजी मंदिर का अपना या फिर कई सारे मंदिरों का मस्जिदों का अपना स्कूल भी चलता है तो ये जो चीज़ें हो गई ये ऑपरेट कैसे कर रही हैं ये रिलीजियस प्लस चैरिटेबल पर्पज़ के लिए ऑपरेट कर रही हैं तो इनको भी एग्जैम्पन यहाँ पे मिली हुई है आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अप्रूवल लेना पड़ेगा अथॉरिटी से और आप ऐसे चैरिटेबल पर्पज़ ऑपरेट कर सकते हैं अब जैसे कि मैं डिस्कस कर रही थी कि सब्सटैंशली या होली फाइनेंस्ड बाई गवर्नमेंट तो होली फाइनेंस्ड बाई गवर्नमेंट समझ में आता है सब्सटैंशली फाइनेंस्ड बाई गवर्नमेंट क्या होता है ये ये होता है कि अगर एक प्रीवियस ईयर में आपकी जो रिसीट है उसका 50 परसेंट अप टू 50 परसेंट या उससे ज़्यादा अगर आपको गवर्नमेंट ने डोनेशन दी है तो हम ऐसा मानेंगे कि आप फाइनेंस्ड बाई गवर्नमेंट हो गए उस ईयर के लिए तो अगर आपकी रिसीट 10 लाख है और 5 लाख आपको गवर्नमेंट से डोनेशन आ जाती है फाइनेंस आ जाता है तो हम ऐसा मानेंगे कि आप जो है सब्सटैशली फाइनेंस्ड बाई गवर्नमेंट हो गए और अग, अब जो है आप एज़ ए चैरिटेबल परपज़ डील कर सकते हैं अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं अभी मैं आपको बोल रही थी कि फ़ाइव सी तो दो केस में आपको बता रही थी कि ईधर आप एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑपरेट कर रहे हैं या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑपरेट कर रहे हैं अब कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल के लिए भी ऑपरेट करती है और फॉर एजुकेशन के लिए भी ऑपरेट करती है तो उस केस में क्या होगा हम पाँच करोड़ का ये जो लिमिट है दोनों के लिए अलग अलग लग लगाएंगे या एग्रीगेट करके लगाएंगे तो इसका आंसर है कि हम दोनों के रेवेन्यू को एग्रीगेट करेंगे अगर दोनों की रेवेन्यू फाइव सी से ज़्यादा होती है तो ये एग्जाम्शन फिर उसको जो रजिस्ट्रेशन है नहीं मिलेगा और जो बेनिफिट्स हैं सेक्शन 11 टू सेक्शन 13 में वो भी आपको नहीं मिलेंगी आप एज ए चेरिटेबल परपज़ रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे प्रोसेस uh, जो था रजिस्ट्रेशन का पहले बड़ा ही सिंपल हुआ करता था नहीं अभी ज़्यादा सिम्प्लीफाइड हो गया है ऑनलाइन हो गया है पहले ऐसा होता था हम uh, आप कमिश्नर को लेटर देते थे और उसके सिक्स मंथ के अंदर जो है कमिश्नर को अप्रूव कर देना होता था या रिजेक्ट कर देना होता था अगर रिजेक्ट कर रहा है तो ही मस्ट गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ पिंग हार्ट या फिर अगर उसने अप्रूव कर दिया तो फिर ठीक है और अगर कुछ नहीं करता है तो हम हाँ वो मान लेते थे कि आप अप्रूव हो गए आप कर सकते हैं एज ए चैरिटेबल परपज़ काम बट अब जो है सिंस फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2021 से थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज आया है रजिस्ट्रेशन का तो क्या चेंज आया है इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे हमने ये देखा कि हम कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको ले करके हम रन कर सकते हैं एज ए चैरिटेबल पर्पज़ अब मैं देखती हूँ अब हम देखते हैं कि वो कंडीशन आपको कौन कौन से आप एक्टिविटी तो कर रहे हैं मैं अगर मैं रजिस्ट्रेशन लेने जा रही हूँ तो मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो हूँ बट इसके साथ साथ मुझे और भी कई सारे कंडीशन फुलफ़िल करने पड़ेंगे जैसे कि जो मेरी इनकम हो वो इनकम जो है वो जनरेट होती हो कहाँ से प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट से जनरेट होती हो जितने भी ट्रस्ट के नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं उससे जनरेट होती हो इनकम उससे जो मेरी इनकम है वो सारी इनकम के के लिए जो है आपको पीजीबीपी की जो भी इसमें बेनिफिट होती है सेक्शन 11 टू सेक्शन 13 में वो लगेंगे अब जैसे कि मैं ऊपर के पॉइंट में आपको बता रही थी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपके पास कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं अगर आप उनको करते हैं तो ही आप एज ए चैरिटेबल पर्पज़ जो है रजिस्टर uh, हो सकते हैं अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं या फिर अगर मैंने कहा कि आप एजुकेशन मेडिकल रिलीजियस पर्पज़ या फिर चैरिटेबल पर्पज़ तो ये जो चैरिटेबल पर्पज़ एक नया वर्ड आया इसमें भी कुछ सेट ऑफ़ एक्टिविटीज़ हैं जो कि डिफाइन है लॉ में इनको ही आप करते हैं तो ही आपको सिर्फ अलाउड है एज ए चैरिटेबल पर्पज़ रजिस्टर्ड होना और इस सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में पहली सेट ऑफ एक्टिविटी है रिलीफ ऑफ पुअर या फिर आप ऑपरेट करते हैं एजुकेशन के लिए या फिर योगा के लिए या फिर मेडिकल रिलीफ के लिए या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वाटर शेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड प्रजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट आर्टिस्ट और हिस्टोरिक नेचर एंड द एडवासमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए जैसे कि कंपनी बनती है तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में भी उसका एम होता है ए ए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसमें लिखा होता है कि कंपनी किस चीज़ के लिए ऑपरेट करेगी कंपनी और ऐसे होता है कि आप अगर अगर आपने ये लिखा है कि आप फॉर एग्जांपल सपोज़ कि अगर आप ये लिख रहे हैं कि आप फूड डिलीवरी में ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं जा सकते अगर आप अपने ऑब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं तो आपको एम की वेबसाइट परमिशन लेना पड़ता है आपको अपना एम चेंज करना पड़ता है उसी तरीके से यहाँ पर जो है चैरिटेबल परपज़ में कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं अगर आप इनको करते हैं तो ही आपको जो है एज ए चैरिटेबल परपज रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें पहला है अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि रिलीफ ऑफ पुअर है दूसरा अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी इम्पार्ट कर रहे हैं तीसरा योगा चौथा मेडिकल रिलीफ और पांचवा जो है प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट अगर आप कहीं पे भी कचरा फेंका हुआ है या फिर पेड़ लगा रहे हैं अगर आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्वायरमेंट के लिए कुछ करते हैं पेड़ लगाते हैं या फिर कचरा उठाते हैं तो भी आपको एज ए चेरिटेबल परपज़ रजिस्ट्रेशन है या फिर आप वाइल्ड लाइफ के लिए कुछ कर रहे हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन है या फिर आप अगर मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो भी आपको आ, आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं लाल किला को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर अदर मॉन्यूमेंट्स को तो भी आपको रजिस्ट्रेशन एज ए चैरिटेबल परपज़ मिल सकते हैं या फिर नेक्स्ट पॉइंट है द एडवासमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी अब ये जो लाइन है ये लाइन पूरे लॉ में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है पूरे इनकम टैक्स में ये क्या है ये डिफाइन नहीं है बट ये केस टू केस डिपेंड करता है और चेंज होते जाते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केसेस आते हैं तब हमें ये पता चलता है कि आ, नहीं ये चीज़ें हो सकती हैं दिस वुड बी कंसिडर्ड एज एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी अब ये जो केस है ये मैं डिस्कस करने वाले हूँ सी आई टी वर्सेज गुजरात मेरी बोर्ड ये केस आपको इंस्टीट्यूट की बुक में पढ़ने को मिल जाएगा इस केस में ये हुआ था कि मेरी बोर्ड एस है उसका कहना है कि मैं एक ऐसा एक्टिविटी कर रहा हूँ जो कि बेनिफिट ऑफ स्टेट है और ये मेरी एक्टिविटी कवर्ड अंडर एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी इसलिए मैं एक चैरिटेबल पर्पस हूँ और uh, जो सी था उसका कहना था कि नहीं आप तो अपना ट्रेड बिजनेस कर रहे हैं ये ट्रेड है ये अलाउड नहीं है बट लास्ट में डिसीजन ये आता है कि नहीं ये जो एक्टिविटी है दिस इज जनर जेनविनली फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टेट और ये जो है एज ए चैरिटेबल पर्पज़ हम मानेंगे तो मैं आपको ये डिस्कस करके बता रही थी कि ये जो एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी इसका कहीं पे कोई डिफिनेशन नहीं है केस टू केस ये डिपेंड करता है कि क्या ये है या फिर नहीं है जैसे कि इस केस में हमने इसे मान लिया कि यह है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी आगे डिस्कस करते हैं द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी शैल नॉट बी चैरिटेबल परपज इफ इट इन्वॉल्व द कैरिंग ऑन एन एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस अगर एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी इसलिए की जा रही है कि एज ए ट्रेड कॉमर्स या बिजनेस के लिए करी जा रही है तो हम उसको चैरिटेबल पर्पस नहीं मानेंगे लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है अगर सच एक्टिविटी इज अंडरटेकिंग इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ सच एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी एंड द एग्रीगेट रिसीट फ्रॉम सच एक्टिविटी और एक्टिविटीज डूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल रिसीट अब बात करते हैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर के ये बोल रहे हैं कि अगर एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है और वो एज ए ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस करी जा रही है तो हम उसको चैरिटेबल पर्पस नहीं मानने वाले हैं ये हो गया पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट पे ये बोलते हैं कि चलो हम मान लेंगे तुमको अगर तुम एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी कर रहे हो तो हम तुमको मान लेंगे चैरिटेबल पर्पज़ बट एक बात का ध्यान रखना कि जो ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस से जो तुम्हें रिसीट आ रही है ना वो मोर देन ट्वेंटी नहीं होनी चाहिए मतलब टोटल रिसीट की 20 परसेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल लेते हैं ये एग्जाम्पल आपको इंस्टीट्यूट की बुक में मिल जाएगा तो पढ़ना चाहो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो एक बार कंसेप्ट और रिपीट कर देती हूँ उन्होंने कहा है कि एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का कोई भी काम अगर आप एज ए ट्रेड कॉमर्स या बिजनेस कर रहे हो तो हम उसे एडवांसमेंट ऑफ चैरिटेबल पर्पस हम उसे नहीं मानेंगे बट चलो हम मान लेंगे कब मान लेंगे जब जो तुम एक्टिविटी कर रहे हो एज ए ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस उसकी जो रिसीट है वो टोटल रिसीट की 20 परसेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ये उन्होंने कह दिया अब इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं ये एग्जाम्पल आपको इंस्टीट्यूट के बुक में अवेलेबल है एन इंस्टीट्यूशन हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट एज एडवासमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी रिसीव रूप इज थर्टी लैक इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू फ्रॉम एन एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड the total receipt of the institution including donation was rupees 140 lakh ,00 it applied 85% of its total receipt from such activity during the same year for its main object that is advancement of general public utility अब क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन समझने के साथ एक चीज़ यहां पे 85 परसेंट वाला कंसेप्ट भी समझाती हूँ कंसेप्ट बाद में लेटर ऑन एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से डिस्कस करेंगे बट यहां पे हम ये डिस्कस करेंगे एक सिंपल वर्ड में आपको बता देती हूँ कि जो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके लिए ये एक लॉ है कि आपको अपना 85 परसेंट जो रिसीट है सौ रुपये अगर आपकी रिसीट है तो आपको एटी फाइव रुपीज़ उसका जो है खर्च कर देना है अप्लाई कर देना है अप्लाई इज़ ए स्पेसिफ़िक टर्म इन एट सेल्फ अप्लाई को पूरा डिफ़ाइन किया गया है कि किस चीज़ को अप्लाई मानेंगे किस नहीं मानेंगे बट अभी यहाँ पर लेमेन की लैंग्वेज में समझती है कि उसको खर्च कर देना है 85 परसेंट को खर्च कर देना है ठीक है क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा है कि तीस लाख रुपए जो हैं वो तो उसको आ रहे हैं इन द नेचर ऑफ ट्रेड से जो वो बिजनेस कर रहा है उससे और वन फोर्टी लाख जो है उसकी टोटल रिसीट है डोनेशन को मिला करके टोटल रिसीट है साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एटी जो कि एक रूल होता है चैरिटेबल ट्रस्ट का कि एटी आपको खर्च कर देना है तो इसने एटी अपना खर्च भी कर दिया है अब वो क्वेश्चन पूछना पूछनाक चाहते हैं कि व्हाट शुड बी द टैक्स कंसिक्वेंसेज ऑफ सच रिसीट एंड एप्लीकेशन देयर ऑफ बाय द इंस्टीट्यूशन इसका आंसर ये है कि पहले तो ये इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में ये घटना हुई कि उसकी जो रिसीट है वो थर्टी ट्रेड बिजनेस वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन जो है ऐसे माना जाएगा कि कैंसिल हो गया और सेक्शन कैंसिल माना जाएगा मतलब कैंसिल होता नहीं अथॉरिटी आपको आके कैंसिल नहीं करती है हम 11 टू का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे चाहे हमें अथॉरिटी ने कैंसिल किया हो या नहीं किया हो आपका ऑटोमेटिक सेक्शन एलेवन टू सेक्शन थर्टीन की बेनिफिट आपको जो है ख़त्म हो जाती है क्योंकि आपकी 140 लाख ,00 का 20% परसेंट हो गया 28 लाख ,00 आपकी अगर ट्रेड से अप टू 28 लाख ,00 रेवेन्यू होती रिसीट होता तो हम अभी भी आपको मानते कि आप चैरिटेबल पर्पस हैं बट ये 28 ,00 लाख ,00 को एक्सीड करके 30 लाख ,00 हो गया है तो इसलिए हम मानेंगे कि आप चैरिटेबल पर्पज़ नहीं हैं इन्होंने आगे उसी क्वेश्चन में एक पॉइंट बी सवाल पूछा है वॉट वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ़ द इंस्टीट्यूशन टोटल रिसीट हैड बिन 150 फिफ्टी लाख इंस्टेड ऑफ वन फोर्टी लैख इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू अब अगर यहाँ पे वन फिफ्टी लैक हो जाती टोटल रिसीट तो उसका ट्वेंटी परसेंट थर्टी लैक होता तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो हम ये मानते कि हाँ आप एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम कर रहे हैं और आप चैरिटेबल पर्पज भी हैं तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वट वुड बी योर आंसर इफ़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज रिलीफ ऑफ पुअर अब एडवांसमेंट के अलावा बाकी जो कंडीशन है जो लिस्टिंग है चैरिटेबल पर्पज़ के लिए उसमें वो चले गए कि एडवांसमेंट वाला वाली चीज़ नहीं है अभी रिलीफ ऑफ़ पुअर के लिए काम कर रहे हैं और 30 लाख फ्रॉम ए ट्रेडिंग एक्टिविटी व्हेन इट्स टोटल रिसीट आर 140 लाख। जब इसका टोटल रिसीट जो है वो 140 लाख ही है और ट्रेडिंग एक्टिविटी से इसको 30 लाख रुपए मिल रहे हैं तो बताओ क्या करोगे आंसर तो इसका ये है कि हम स्टिल उसको चैरिटेबल पर्पज मानेंगे और हम क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है जो इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी कर रहा है वो क्या कर रहा है रिलीफ ऑफ पुअर कर रहा है एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम नहीं कर रहा है किस लिए काम कर रहा है रिलीफ ऑफ पुअर तो एक्सेप्ट एडवांसमेंट वाले पार्ट के लिए जो ऊपर की छः सात लिस्टिंग है उसके लिए अगर आप काम करें तो ट्वेंटी परसेंट की लिमिट काम नहीं करती है उसमें आप काम करेंगे तो आपके चाहे ट्रेड बिजनेस ट्रेड से रिलेटेड कोई भी रिसीट हो हम स्टिल आपको एज ए चैरिटेबल पर्पज ही मानेंगे इंस्टीट्यूट का आंसर देख लेते हैं एक बार लास्ट वाले का यही आंसर मैं सिर्फ देखने वाली हूँ द रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग कैरिंग ऑन ए ट्रेडिंग एक्टिविटी फॉर ए सेश फी और अदर कंसिडरेशन नॉट अप्लाई इफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज रिलीफ ऑफ द पुअर देयर फॉर थर्टी लैक फ्रॉम ए ट्रेडिंग एक्टिविटी बाई स्टिल रिलीफ ऑफ पुअर के लिए काम कर रहे हैं तो फिर भी इंस्टीट्यूट जो है चैरिटेबल परपज के लिए माना जाएगा Even if it exceed 20% of the total receipt of the institution, the institution can claim, subject to the fulfillment of other condition, under Section 11 to Section 13. baki jo bhi condition hai Section 11 to Section 13 ki अगर वो सारी condition fulfil होती हैं, तो फिर हम ऐसा मानेंगे कि 20% से ज़्यादा हो गई, तो भी कोई बात नहीं है. Still, this institution is a charitable purpose institute. एक question और discuss करती हूँ. एक बार मैं और रिपीट करती हूँ कि ये जो भी मैं नोट्स हैं मेरी या फिर जो क्वेश्चन डिस्कस करूँ ये सारे ही आपको ऐसे आई की बुक में मिल जाएंगे एंड विद माय माय एडवाइस कि आप कुछ भी पढ़ते हो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं अकाउंट्स है डी टी आई डी टी ऑडिट कुछ भी पढ़ो कुछ भी पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट का एम और आर वगैरह हो उसकी इंस्टीट्यूट की बुक अगर बुक नहीं भी पढ़ना चाहते नहीं समझ आ रही है बुक खुद से पढ़ के तो उसके क्वेश्चन प्लीज़ ज़रूर देखना ज़रूर देख के जाना उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना नहीं समझ आ रही है कोई भी क्लास ले रहे हो तो टीचर से पूछना क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये जस्ट लाइक टेंथ और ट्वेल्थ का होता है ना जैसे टेंथ और ट्वेल्थ में साइड बुक बहुत सारी होती है फिर भी टीचर जो है फोकस uh, करते कि एन वाले बुक से ही पढ़ो एन वाले बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इट इज़ जस्ट लाइक दैट ओनली कि ये इंस्टीट्यूट की बुक जो है कुछ भी हो जाए मत छोड़ना इंस्टीट्यूट के बुक के क्वेश्चन एटलीस्ट मत छोड़ना अगर बुक पढ़ने पे समझ नहीं आ रहा है तो भी बाकी मैं अपने क्लासेज में अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं अपने क्लासेज में इंस्टीट्यूट के जो भी क्वेश्चन है उन सबको डिस्कस करने हूँ तो अगला क्वेश्चन है हमारा सेव वाइल्ड लाइफ ये एक इंस्टीट्यूशन है इज एन इंस्टीट्यूशन हैविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यूज द इंटायर इनकम डिराइव फ्रॉम द एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड फॉर इट्स मेन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर थर्टी फर्स्ट मार्ट ट्वेंटी फॉर चैरिटेबल एग्जामिन तो सबसे पहले इतना देख लेते हैं तो इसका आंसर हुआ कि नो यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा और क्यों नहीं होगा जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि 20% की लिमिट वाली बात जो है वो सिर्फ़ एक एक्टिविटी के लिए कही गई है और वो है एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी सिर्फ अगर आप वो काम करते हैं तो आपका जो ट्रेड से रिसीट है वो टोटल रिसीट का 20 परसेंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए उसके अलावा अगर आप कुछ भी कर रहे हैं रिलीफ ऑफ पुअर एजुकेशन मेडिकल वाला या फिर Uh, अगर आप वाइल्ड लाइफ के लिए मॉन्यूमेंट्स के लिए कर रहे हैं जैसे इस केस में वाइल्ड लाइफ के लिए कर रहे हैं तो आपके चैरिटेबल पर्पस के स्टेटस को अफेक्ट नहीं किया जाएगा और यू विल बी स्टिल कंसिडर्ड एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आगे के पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं आगे हम डिस्कस करते हैं इंस्टीट्यूट का एक सर्कुलर है उस सर्कुलर में ये कहा गया है कि अगर आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं ये पुराना सर्कुलर है काफ़ी पुराना 1984 का सर्कुलर है जो कि ये कहता है अगर आप स्पोर्ट्स के लिए काम करते हैं तो यू विल बी ट्रीटेड एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है एप्लीकेशन और एक्यूमुलेशन का अब इसमें क्या होता है जैसे कंडीशंस होती हैं ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जब हम सेक्शन 11 टू 13 की एग्जामेशन लेने के लिए जाते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए उसके पहले जिसमें कि ये हो गया कि आपको जो इनकम मिल रही हो वो इनकम जो है प्रॉपर्टी रजिस्टर अंडर ट्रस्ट से ही मिल रही हो दूसरा हमारे पास ये आया कि अगर आप एक स्पोर्ट इंस्टीट्यूट हैं तो आपको मिल जाएगी Uh, आपको माना जाएगा ऐसा कि आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तीसरा हमारे पास यह आया था कि हम एक ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि जो लिस्ट दी हुई है एक्ट में हम वही सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अब चौथा हमारे पास कंडीशन ये आता है एप्लीकेशन और एक्यूमुलेशन का जैसे कि मैं ऊपर डिस्कस मैंने बताया था कि जो चैरिटेबल पर्पस के लिए जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि आपको अपना 85 परसेंट ऑफ इनकम जो है खर्च कर देना है अप्लाई कर देना है लेकिन और 15% आप बचा सकते हैं तो पहली कंडीशन ये हो गई एप्लीकेशन और एक्यूमुलेशन की कि 85% ऑफ़ इनकम जो है यू कैन यू मस्ट स्पेंड 85% फाइव परसेंट ऑफ़ द इनकम और 15% इनकम को आप बचा सकते हैं लेकिन ये जो एक्यूमुलेशन है उसके लिए भी एक पीरियड आइडेंटिफाइड है ये पीरियड ये एक्यूमुलेशन जो है जैसे कि दो हज़ार फोर ईयर टू आप अगर एक्यूमुलेट करें तो 2010 में टेन में आपने जो 15% परसेंट इनकम बचाई है वो सिर्फ पाँच साल तक आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अप टू 2015 तक कर सकते हैं उसके बाद से एक्यूमलेट नहीं कर सकते उस इनकम को आपको खर्च करना ही पड़ेगा नहीं तो आपको सेक्शन 11 टू 13 की बेनिफिट जो है वो आपको नहीं मिलेगा अब दूसरा हमारे पास एटी uh, में ही ये उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है कि सपोज़ फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से अगर हम नहीं कर पाए 85% फाइव परसेंट ऑफ़ इनकम को अप्लाई हम एप्लीकेशन उसका हम नहीं कर पाए तो क्या होता है और वो कौन कौन से कंडीशनस हैं जहाँ पे हम ये मानेंगे कि आप अप्लाई नहीं कर पाए लॉ में इसके लिए कुछ रिलैक्सेशन है कि किस किस कंडीशन में अगर आपके 85% फाइव परसेंट अप्लाई नहीं हो पाता है तो भी हम आपको आ, आपकी जो बेनिफिट है सेक्शन 11 टू 13 की उसको हम डिनाई नहीं करेंगे आप स्टिल यू कैन टेक दिस बेनिफिट तो पहला है कि द होल और एनी पार्ट ऑफ़ द इनकम हैज़ नॉट बिन रिसीव फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी किसी ईयर की हंड्रेड uh, लैख आपका सपोज़ रिसीट है और आप 85 परसेंट तक आपको खर्च करना है 15 परसेंट नहीं खर्च करना है सपोज़ कि आपको उसमें से कुछ 20 लाख रुपए नहीं मिले तो नहीं मिले 85 लाख आपको खर्च कर देना था बट 20 लाख आपको मिले ही नहीं है तो आप क्या करेंगे फिर तो होल और पार्ट ऑफ द इनकम हैज़ नॉट बिन रिसीव तो 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 पे part of the income receive, receive नहीं हुआ है, 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 आपके पास ये एक benefit है, relaxation है, कि आप still जो है, आप जो 11 to 13 के benefit को ले सकते हैं दूसरा है एनी अदर रीजन अभी जो एनी अदर रीजन है इसमें पर्टिकुलरली वो केस कवर किया गया है फॉर एग्जाम्पल जैसे हंड्रेड लाख की इनकम है अब इस इनकम में क्या होता है कि आ, कुछ पैसा जो है फिफ्टी लाख हमें रिसीव हो जाता है और सपोज़ फिफ्टी लाख हमें थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू को रिसीव हुआ है बिकॉज ये केस ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के लिए है तो सपोज़ कि थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए रिसीव होता है तो हम एक दिन में तो खर्च ही नहीं कर पाएंगे हम एटी फाइव परसेंट वाली कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए भी यहाँ पर एक रिलैक्सेशन है जिसमें बोला गया है कि ओके अगर आपको पैसा लेट रिसीव होता है या फिर आपको पैसा रिसीव ही नहीं होता तो उस केस में आपको जो है इलेवन टू थर्टीन के बेनिफिट आप ले सकते हैं बट इसमें क्या होता है हम एक एप्लीकेशन लिख के और रिटर्न uh, फाइल करने से पहले ए को नॉट ए कमिश्नर को इंटीमेट करना पड़ता है कि हमारे साथ ये केस हुआ है हमें पैसे नहीं मिल पाए हैं तो हम नहीं खर्च कर पाएंगे लिसन दैट तो उसके बाद से आपको वहाँ से अप्रूवल मिल जाती है और आप उस तरीके से अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं इस इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल है उसको ले लेते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एन इनकम ऑफ रुपीज़ वन लैख बट इट रिसीव ओनली सिक्सटी थाउजेंड इन दैट ईयर द बैलेंस फोर्टी थाउजेंड इज रिसीव इन द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी जैसे मैं बता रही थी कि दो केस हो सकता है जिसमें आपको एलेवन टू थर्टीन की इनकम आपको स्टिल मिलेगी एक तो पहला हो गया कि आपको होल और पार्ट ऑफ द इनकम रिसीव ही नहीं हुई और दूसरा हो गया कि, आपको रिसीव हुई। ऐसे रिसीव हुई कि आप खर्च ही नहीं कर सकते तो जो पैसे आपको रिसीव नहीं हुए वो पैसे आपको अगले साल रिसीव होंगे तो उस पैसे के लिए कुछ टाइम लिमिट है कि उसको स्पेंड करने की क्या टाइम लिमिट है एक बार उसको देख लेते हैं इन द फर्स्ट class of cases the period of application is extended to cover the previous year in which the income is actually received and the previous year immediately following that year. jaise ye 21-22 का केस था, हमें पैसे नहीं मिले, तो 22-23 में मिले, तो हम क्या करेंगे? उस पैसे को 22-23 and 22-23-24 ये दो साल में खर्च करेंगे, मतलब the year in which amount is received and uh, the following year. उसके फॉलोइंग ईयर को तो ये दो साल में हमें ये पैसे खर्च करने पड़ेंगे पहले वाले केस में जहाँ पे आपको पैसे मिले ही नहीं थे और सेकंड केस में जो है उसकी टाइम लिमिट जो है वो आपको सिर्फ़ एक साल तक के लिए दी हुई है जैसे कि ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का केस है और आपको थर्टी फर्स्ट मार ट्वेंटी टू को पैसे मिल रहे हैं तो आपको ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तक उस पैसे को अप्लाई कर देना है आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जो रिमेनिंग पार्ट है चैरिटेबल ट्रस्ट का उसको डिस्कस करेंगे और जाने से पहले एक लिटिल इन्फो आई हैव वन मोर चैनल तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन स्टॉक एंड इकोनॉमिक्स सो येस कीप स्माइलिंग एंड बाय